हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी ये जो मिट्टी दिखा रही हूँ, ये मिट्टी करीब 1-1.5-2 साल पुरानी हो चुकी है और स्मेल आ रही थी इसमें से। तो मैंने सोचा चलो आज धूप खिली हुई है, बारिश के दिन में बहुत कम धूप मिलती है, लेकिन आज हमारे यहाँ बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो ये मिट्टी को अच्छी तरह से सुखा लूँ ताकि इसमें जो भी जर्म्स वगैरह होंगे, कीटाणु, वो सब कुछ मर जाएंगे और मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उसके साथ मैंने बकेट को भी अच्छे से धूप में सुखा लिया है। चलिए गमले के लिए मिट्टी तैयार करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पुरानी मिट्टी में जान कैसे डालें, उसे नया कैसे बनाएं, इसके बारे में जानेंगे। ये जो मेरी मिट्टी है, ये करीब 1.5-2 साल पुरानी हो चुकी थी और इस मिट्टी में मैंने बहुत सारे पौधे लगा चुकी हूँ और इसमें जितने भी न्यूट्रिशन थे और पोषक तत्व जो भी है, ये सब समाप्त हो चुके हैं और इसमें उर्वरक शक्ति जो है बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आज हमें इस मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ें मिलानी है वो मैं आज बताती हूँ। तो आइए, इस मिट्टी में हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे जिससे कि ये मिट्टी एक नई जैसी हो जाए, बिल्कुल पौधे के लिए तैयार हो जाए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। तो ये मैंने 2 घंटे भिगो कर रखा हुआ है, कोकोपीट है ये, और ये नीम की खली है जो मैंने पीस कर ले ली है, और ये हल्दी है, इसमें हल्दी एंटीबायोटिक है, इसलिए इसमें फंगस वगैरह या फिर जो भी जीवाणु वगैरह है इसको मारने के लिए हम हल्दी का यूज करेंगे इसमें। और ये रेत है, रेत का यूज भी इसमें करेंगे क्योंकि रेत ड्रेनेज के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये है गोबर की खाद। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम आज मिट्टी को नया रूप देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये है कोकोपीट, हम इसमें कोकोपीट मिला देंगे। ये अभी गीला है, अभी अभी निकाला है मैंने। ये हल्दी, ये है नीम की खली, ये करीब 100 ग्राम के करीब ले ली है नीम की खली। अब ज्यादा भी कर ले तो भी कुछ नहीं होगा, इसमें पौधे के लिए बहुत अच्छी होती है, बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए। और ये है रेत जो कि पौधे में एक्स्ट्रा पानी नहीं जमने देती है और ड्रेनेज के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और ये है गोबर की खाद, आप गोबर की खाद ले सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट कुछ भी ले सकते हैं। मेरे पास गोबर की खाद थी तो मैंने गोबर की खाद ही ले ली है। और एक और चीज, ये जो कोकोपीट है, यदि आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप इसकी जगह लकड़ी का बुरादा या फिर सूखे पत्ते भी ले सकते हैं। इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस तरह से मिला लेंगे और ये जो मिट्टी है ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी बनके तैयार हो गई है। इसमें हम कोई भी पौधा लगाएंगे बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।